A very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic, that is the megasporangium and ovule of chapter 2, sexual reproduction in flowering plants. So, start karte hain with the topic megasporangium or ovule, because we have already learned about how ovule important in the formation of seed or takes place in the formation of seeds, and ovary takes place or convert in the formation of fruit. तो फ्रूट्स का फॉर्मेशन ओवरी से और सीड का फॉर्मेशन ओव्यूल से होता है. तो बेस्ड ऑन द स्पेशल स्ट्रक्चर दे आर एक्चुअली कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे यहाँ पे, तो एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग और ओवम. सो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. ओव्यूल नाउ सेंटर में वो एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा. नाउ सबसे पहले द ओव्यूल अटैच विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल विद द प्लेसेंटा. फ्यूनिकल के हेल्प से जो ओव्यूल है ये फ्यूनिकल के हेल्प से प्लेसेंटा से अटैच होंगे ऑफ प्लेसेंटा ऑफ द गाइनोशियम. गाइनोशियम में जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा या ओव्यूल सैक में जहाँ पे ओव्यूल चैम्बर होगा या जहाँ पे ओव्यूल का चैम्बर होगा वहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू ये मदर एक्सिस से और मदर प्लांट से ये बाइंड रहेंगे और फ्रूट से ये बाइंड रहेंगे. तो कैसे? प्लेसेंटा रीजन से विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल. फ्यूनिकल के हेल्प से बाइंड रहते हैं ना फ्यूनिकल. अब फ्यूनिकल विद द हेल्प ऑफ हाइलम अटैच विद द ओव्यूल. फ्यूनिकल कैसे अटैच रहेंगे हाइलम से? हाइलम के थ्रू ओव्यूल से ये अटैच रहते हैं. तो हाइलम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल के हेल्प से ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा वो प्लेसेंटा से अटैच होगा. नाउ हाइलम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल. नाउ जितने भी ओव्यूल होंगे, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं यहाँ पे, ओव्यूल आर जनरली सराउंडेड बाय टू और थ्री इंटेग्यूमेंट्स. तो यहाँ पे जो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो जनरली टू और थ्री इंटेग्यूमेंट्स, इधर आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट. देन इनसाइड द इनर इंटेग्यूमेंट एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट. एम्ब्रियो सैक इज प्रेजेंट. नाउ अब यहाँ पे जो अपर एंड पे प्रेजेंट होंगे दैट इज की माइक्रोपाइलर एंड, और यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी जिसके थ्रू जो ओव्यूल्स हैं ये फर्टिलाइज होंगे. तो यहाँ पे एग से इजिली कॉन्टैक्ट हो पाए पोलिन ग्रेन का और स्पर्म का, इस वजह से यहाँ पे इंटेग्यूमेंट जनरली प्रेजेंट नहीं होंगे. तो ये ओपनिंग एक तरीके से रहती है, इस ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोला जाता है. माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड. नाउ अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड, हियर इज माइक्रोपाइलर एंड. Opposite to the micropylar end, chalazal pole is present. Chalazal pole is present. चैलेजर पोल प्रेजेंट होगा यहाँ पे,
और फिर एम्ब्रियो सैक में कैसे एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है वो हम डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक में और ओव्यूल में। यहाँ पे डिफरेंट जो जितने भी इंटेग्यूमेंट्स हैं ये इनके नीचे और एम्ब्रियो इज जनरली सराउंडेड बाय द म्यूसिलर सेल्स। Mucilus cells, which provide nutrition to the developing embryo sac. डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे जितने भी न्यूसिलस सेल्स होंगे या न्यूसिलस सेल्स। ये क्या करते हैं सम हाउ ये अदर बहुत सारे प्लांट्स में ये ऑल्सो दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अब डिस्कस करते हैं इन द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक में जनरली ये डेवलपमेंट में जाएंगे और फॉर्मेशन ऑफ ओवम और डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं ये हम अभी डिस्कस कर देते हैं। तो डेवलपमेंट इन द टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एंड एम्ब्रियो सैक स्टार्ट करते हैं। फाइट एंड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक में जनरली जो सेल्स होंगे वो कौन कौन से सेल्स होंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो सैक में जो सेल होगा यानी सेल here is embryo, embryo sac और embryo sac में जो cell present होंगी this cell is known as megaspore mother cell। मेगास्पोर मदर सेल सिचुएटेड एम्ब्रियो सैक में, एक मेगास्पोर मदर सेल इज सराउंडेड बाय द न्यूसिलर सेल्स। न्यूसिलस सेल्स और न्यूसिलस सेल्स ये जनरली क्या करेंगे, ये यहाँ पे अबेंडेंट रिजर्व फूड प्रेजेंट होगा और रिजर्व फूड जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन चाहिए होगा वो न्यूसिलस सेल से मिलेगा और यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक में ये जनरली डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक में ये क्या होगा और डिफरेंट यहाँ पे एग का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और फिर हम जनरली ये डिवाइड करेंगे कैसे डिवाइड करेंगे। नाउ यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं ये मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और मियोसिस डिवीजन में जाने पर ये कैसे डिवाइड करते हैं। तो जनरली ये जब मियोसिस डिवीजन में जाएंगे तो सबसे पहले डायगेट स्टेज आएगा, देन टेट्राड स्टेज आएगा। तो मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, मेगास्पोर मदर सेल्स ये मियोसिस डिवीजन में जाएंगे, अंडरगोज इन मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन में जाते हैं, देन मियोसिस डिवीजन के बाद मेगास्पोर मदर सेल टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेंगे। टू डॉटर सेल यहाँ फॉर्म होगा जिसे मेगास्पोर डायगेट बोला जाएगा।
मेगा स्पोर स्पोर डायड, इट इज टू सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस वजह से मेगा स्पोर डायड नाउ सराउंडेड बाय द न्यूसिलर सेल्स. Here, अब टू स्टेज सेल्स के बाद जब ये अगेन मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन दैट इज की फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये टू सेल स्टेज दैट इज मेगास्पोर डायड स्टेज के बाद जब सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा द मेगास्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड स्ट्रक्चर बाय सेकेंड मियोटिक डिवीजन. मेगा स्पोर टेट्राड मेगा स्पोर टेट्राड. नाउ इसके बाद ये कैसे जाएंगे, यहाँ पे थ्री जो सेल होंगी ये डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेशन होगा थ्री सेल का और सिर्फ वन सेल ही पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एग. एग्स जो एग का फॉर्मेशन होगा सिर्फ एक सेल से होगा, वो भी कई सारे माइटोसिस. अब माइटोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन बस जस्ट हाफ करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए हुआ था. अब यहाँ पे डिफरेंट जो सेल जो डिफरेंट सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है इन एम्ब्रियो सेल, वो कैसे होगा, बाय द सिर्फ सिंगल सेल्स. जो अदर सेल्स हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे, दैट इज थ्री सेल्स डीजनरेट कर जाएंगे और वन जो सेल होगा और वो डेवलप करके इनलार्ज हो जाएगा और इनलार्ज होके वो फिर से डिवाइड. अब डिवीजन कैसे होगे, माइटोटिक डिवीजन अब होगा यहाँ पे. तो माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा, तो थ्री सेल थ्री सेल्स डीजनरेट, थ्री सेल्स डीजनरेट एंड ओनली वन सेल अंडरगोज इन माइटोसिस डिवीजन. माइटोटिक और माइटोसिस डिवीजन, तो फिर एक सेल फिर ये डिवाइड करेंगे और एट सेल स्टेज और सेवन सेल स्टेज कैसे फॉर्म करेंगे ये डिस्कस कर लेते हैं. और थ्री सेल अंडरगोज इन डीजनरेशन, डीजनरेशन में जाएंगे देन वन सेल डिवाइड माइटोटिकली, माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा और एक सेल से और यहाँ पे न्यूक्लियर मेनली न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियाई से टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा और दे मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द एम्ब्रियो सेल. एम्ब्रियो सेल के दो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और यहाँ पे फिर से न्यूक्लियर माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा यहाँ पे और दो फिर से टू न्यूक्लियाई और अभी टू काइनेसिस, अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है. दैट मीन्स कि जो यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन के बाद सिर्फ कैरियोकाइनेसिस दैट मीन्स कि न्यूक्लियस का सिर्फ फॉर्मेशन हुआ है, अभी साइटोकाइनेसिस दैट इज डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अभी नहीं हो पाया है. सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा दैन इसके बाद साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा. नाउ ये जो होगा ना यहाँ पे जो सेल्स है फिर एक सिंगल सेल्स क्योंकि माइटोटिकली डिवीजन होके टू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, तो फिर यहाँ पे भी ये दो दो सेल्स हैं फिर से माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा और माइटोटिक डिवीजन के बाद फिर से ये दो सेल्स माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे न्यूक्लियर डिवीजन, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन में फिर से यहाँ पे दो से चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ फोर न्यूक्लियाई फ्रॉम टू न्यूक्लियाई. अब यहाँ पे धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज की जो अपोजिट पोल्स हैं
वन न्यूक्लियाई सेंटर में मूव कर जाएंगे, और सेंटर में मूव करने के बाद अब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन नहीं होगा, दैट मीन्स कि कैरियोकाइनेसिस जो अभी तक हो रहा था, अब एट न्यूक्लियस एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होगा, और सबसे पहले इससे पहले भी जो न्यूक्लियस हैं ये मूव जो अपोजिट पोल पे हैं ये मूव कर जाएंगे टूवर्ड्स द सेंटर, और सेंटर की तरफ मूव करने के बाद अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो ये सभी क्या थे, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन था, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, हियर इज आल्सो न्यूक्लियर डिवीजन, here is cytokinesis. cytokinesis that is aggregation of cytoplasm aggregate कर जाएंगे जितने भी nucleus हैं उनके around, और यहाँ पे ये सभी क्या है nucleus there is also nucleus here is three। अब यहाँ पे जब ये जितने भी cells हैं ये supporting cells का formation होगा, सिर्फ जो polar nuclei हैं और जितने भी egg, अभी egg का जो डिफरेंट यहाँ पे जितनी भी न्यूक्लियस हैं इन न्यूक्लियस के अराउंड जब साइटोप्लाज्म का एग्रीगेशन होता है तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जितने भी साइटोप्लाज्म जब एग्रीगेट होंगे या साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल का फॉर्मेशन करेंगे। जितने भी सेल्स हैं वो सभी एग में डेवलप नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगल सेल जो रहेगा वो डेवलप होगा यहाँ पे एग में। तो यहाँ पे सिनर्जिक सेल का फॉर्मेशन होगा। ये सिनर्जिक सेल किसमें हेल्प करेंगे, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होगा, और फिलीफॉर्म अपैरेटस ये एग के फर्टिलाइजेशन के टाइम स्पर्म को एक सपोर्ट करते हैं और एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से ये रिच कर जाए टूवर्ड्स द एग, एग की तरफ आसानी से पहुंच जाए। नाउ सेकंड इज यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी ये सेल्स अपोजिट टू द एग प्रेजेंट होंगे ये दीज आर एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। तो थ्री इन नंबर, नाउ टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर, टू पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई किसमें क्या मेनली फंक्शन करेंगे, दे यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई का भी फर्टिलाइजेशन होगा, दैट मीन्स कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो एग है यहाँ पे दो बार फर्टिलाइजेशन, दैट इज कि एक बार एग से और एक बार पोलर न्यूक्लियाई से, दैट मीन्स कि जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे ये भी ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और जितने भी सेल्स होंगे यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस और सिनर्जिक, यहाँ पे जो सेल्स फिलीफॉर्म अपैरेटस ये होंगे सिनर्जिक सेल्स में, सिनर्जिक
सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट होंगे और फिलिफॉर्म अपैरेटस ये मेनली सपोर्ट करते हैं और गाइड करेंगे टू द स्पर्म को गाइड करेंगे फॉर द फर्टिलाइजेशन और जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और जितने भी सेल्स एंटीपोडल होंगे ये दे ऑल्सो सपोर्ट इन द फर्टिलाइजेशन और ये सभी सेल्स ये क्या करेंगे डी जनरेट कर जाएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट पोलर न्यूक्लियाई और एग सेल क्योंकि एग तो फर्टिलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोड 3 एंटीपोडल सेल्स और 2 सिनर्जिड सेल्स ये सभी डीजनरेट कर जाएंगे ना. टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं यहाँ पे 3 दैट मीन्स कि 3 एंटीपोडल सेल्स 2 पोलर न्यूक्लियाई है बट सेल इज ओनली 1 और ना 2 इज सिनर्जिड सेल एंड 1 एग. तो टोटल नंबर ऑफ सेल हो गए दैट इज 7 सेल 3 4 5 6 एंड 7 7 सेल और 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होता है. तो जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा 7 सेल्ड और 8 ना. स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर. एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर. तो मेनली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और जब फर्टिलाइजेशन होगा तब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा एंड वॉट इज डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन और सिंगैमी ये हम डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है. डबल फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स कि दो बार फर्टिलाइजेशन जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है और मेनली कैसे पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट सेल्स इसमें. तो सबसे पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखते हैं और यहीं से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. तो हियर इज एम्ब्रियो सैक और डिफरेंट सेल्स यहाँ पे कैसे प्रेजेंट होंगे. एंटीपोडल सेल्स हियर इज 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 2 सिनर्जिड सेल एंड 1 एग सेल. ना यहाँ पे डबल व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन. सबसे पहले जब पोलन ग्रेन होंगे और जनरली पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 स्पर्म. जो पोलन ग्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होगा इसमें 2 स्पर्म प्रेजेंट होंगे 2 स्पर्म. और जब यहाँ पे फ्यूजन होगा तब कैसे पोलन ट्यूब में यही 2 स्पर्म दोनों स्पर्म पोलन ग्रेन से रिलीज हो जाएंगे और ये पोलन ट्यूब में आ जाएंगे. अब पोलन ट्यूब में यहाँ पे हियर इज पोलन ट्यूब एंड 2 स्पर्म में
one sperm fuses with the egg and another second sperm is fused with the polar nuclei. Here, now, जब sperm इससे fuse कर जाएंगे तो यहाँ पे कैसे development होगा? तो जब एक sperm पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेंगे तो यहाँ पे सेल कन्वर्ट हो जाएगी पोलर न्यूक्लियाई थ्री सेल स्टेज में एंड एग इन एक स्पर्म जब सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियस नाउ एक स्पर्म जब फ्यूज होगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियाई फ्यूज होगा यहाँ पे टू न्यूक्लियाई तो टू एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई है पोलर न्यूक्लियाई ये थ्री एंड यहाँ पे होंगे पोलर न्यूक्लियाई दैट इज थ्री न्यूक्लियस इसलिए बोला जा रहा है ट्रिप्लॉइड थ्री एंड पोलर न्यूक्लियाई. अब इसे पोलर न्यूक्लियाई नहीं कहा जाएगा. पोलर जब फ्यूज स्पर्म का न्यूक्लियस जब पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर जाएंगे तो ये थ्री एन ट्रिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम है ये ट्रिपल एन और ट्रिपल एन और तीन बार प्रेजेंट है. दैट मीन्स कि यहाँ पे ट्रिप्लॉइड में क्रोमोसोम प्रेजेंट है और जेनेटिक मटेरियल. अब ये इससे डेवलप होगा एंडोस्पर्म which provide nutrition to the developing zygote. और जो 2N है जब यहाँ पे एग से स्पर्म फ्यूजन होगा तो एक न्यूक्लियस एग का और सेकेंड न्यूक्लियस फ्रॉम स्पर्म से जब मिल जाएगा तो यहाँ पे 2N जेनेटिक मटेरियल और डिप्लॉयड जेनेटिक मटेरियल कन्वर्ट इंटू द zygote. जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है. दैट इज वन एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ पोलर न्यूक्लियाई से और फॉर्मेशन हुआ एंडोस्पर्म का और सेकेंड डेवलपमेंट और फ्यूजन कहाँ हुआ दो बार फ्यूजन हो रहा है सेकेंड स्पर्म फ्यूज विद द एग एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक प्लेस और यहाँ पे टू एंड जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है. दैट इज वन एक बार फर्टिलाइजेशन एग से होगा और सेकेंड बार फर्टिलाइजेशन पोलर न्यूक्लियाई से होगा. सो पोलर न्यूक्लियाई से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा एग से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा विच अब ये जाइगोट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है क्योंकि जाइगोट डेवलप करेंगे एम्ब्रियो में और उस एम्ब्रियो को डेवलप करने के टाइम न्यूट्रिशन चाहिए होगा विच प्रोवाइड बाय द एंडोस्पर्म. तो एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन मिलेगा इस वजह से यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं. तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए हुआ है और ट्रिपल एंड और ये बार बार डिवीजन करके मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म का हो जाता है. तो बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस जनरली हमें मिल जाते हैं जैसे कोकोनट वाटर जो वाटरी पार्ट है वो एक्चुअली में क्या है वही न्यूक्लियस पार्ट है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है. तो वो न्यूट्रिशन के लिए डेवलपिंग एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन के लिए वो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो जाइगोट का जाइगोट डेवलप करेंगे इन एम्ब्रियो यहाँ पे तो वो न्यूट्रिशन डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहाँ से मिलेगा एंडोस्पर्म से. तो मेनली जो डबल फर्टिलाइजेशन है तो एक बार फ्यूजन होगा यहाँ पे पहली बार फ्यूजन कैसे हो रहा है स्पर्म फ्यूजेस विद द एग और जो फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का वो डिप्लॉयड है 2N. नाउ सेकेंड फ्यूजन कब होगा मतलब दोबारा से फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई स्पर्म फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई और जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा
एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा. नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे.